दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव बलिया उत्तर प्रदेश से संजय राय की रिपोर्ट। विजिलेंस के अधिकारी ने घर में अकेली महिला से की बदसलूकी। खबर बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसपाली सहोदरा गाँव की है। बिजली की चेकिंग करने पहुँचे विजिलेंस की टीम ने घर के पीछे से छत के रास्ते से होते हुए चोर की तरह चढ़ने का प्रयास किया, जिसका जीता जागता उदाहरण आप वीडियो में देख सकते हैं। घर में मौजूद अकेली महिला ने बोला कि मेरे पति घर पर नहीं है, मैंने अपने पति को फोन कर दिया है, अभी वह आ रहे हैं, उसके बाद आप जांच कर लीजिएगा। अधिकारी ने महिला के घर में अकेले होने का फायदा उठाते हुए दूसरे के छत के सहारे उसका छत फांद कर महिला के घर में घुसकर बदसलूकी करने लगे कि थोड़ी ही देर में उसका पति मौके पर पहुंच गया, जिसे वहां मौजूद विजिलेंस के सिपाहियों ने पति को घर के अंदर जाने से रोक दिया। पति ने मामला गंभीर देख डायल 112 को बुलाया, जिसके बाद अधिकारी वहां से फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी महिला पुलिस के होते हुए विजिलेंस टीम छत फांद कर अंदर कैसे गई। पीड़ित महिला ने कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अंदर से जाने नहीं दे रही थी, मैडम का कंप्लेन है और जाने नहीं दे रही हूँ। दूसरे के छत पे से आप कैसे चढ़ सकते हैं? आप अपने तरफ से जाने ही नहीं दे रही हैं। तो आ जाने दीजिए उनको, तो चढ़ जाइएगा। ठीक है, हम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। आप दूसरे के छत पे से कैसे चढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, ये बताइए। आप अपने तरफ से आने दीजिए ना। मालिक को आ जाने दीजिए, परिवार है ना घर में, तो कैसे आप चढ़ सकते हैं? आपके यहाँ वर्कर है ना? है, वर्कर के साथ आप नहीं चढ़ सकते। आप दूसरे के छत पे से क्यों चढ़े? बनाइए। यहाँ पे इनके द्वारा जो तरह से काम लेकर आया गया है परिसर में, ये तार गई है इनकी, वहाँ से तार दो हो जा रहा है, दो तार हो जा रहा है, यहीं से इसके द्वारा बाईपास किया गया है। साहब यही सब रुके, पकड़िए महिला सिपाही को फोन करें, आने के बुलाएं। आइए आइए आइए।